So boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to another vlog. Welcome back to the channel. While you're at it, what you have to do, you know, the drill. Subscribe कर दो. और ऐसी कुछ लग रही है अपनी बाइक, ज़रा भी धुली हुई नहीं है, ज़रा भी क्लीन नहीं है, क्योंकि मेरे को एक ज़रा टाइम नहीं लगा. सो टुडे इज संडे एंड आई एम गोइंग फॉर अ राइड. मतलब संडे है तो वैसे मुझे ना 8 बजे जाना चाहिए था, 8 बजे मैं उठा, लेकिन मेरे GoPro की बैटरी चार्ज नहीं थी, तो मैंने सोचा अगर मैं GoPro के बिना जाऊँगा, वैसे मुझे सोलो ही जाना है, बिकॉज आई हैव नो फ्रेंड्स टिल नाउ. मतलब बन चुके हैं ऐसे, वो वाले भी नहीं है, तो जो ऐसे बड़ी बड़ी, तो वो देखते हैं बन जाएंगे धीरे धीरे. बाकी मौसम मस्त ठंडा ठंडा हो गया चंडीगढ़ का. ऐसे बाइक जब रुक रही होती है तब थोड़ा पता चलता है हाँ भाई धूप पड़ रही है, लेकिन जब चल रही है ना तो मस्त ठंडी 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 हवा चल रही है. और ऐसे कुछ नज़ारे हैं यहाँ के, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी सड़कें हैं. दिक्कत एक चीज़ की है, वो है इतने सिग्नल्स हैं, भयंकर लेवल है सिग्नल्स का, एंड उसके ऊपर से तुम्हें स्पीड लिमिट 60-45 बाइक्स के लिए लिखी हुई है, बट 60 चल जाता है. एंड दिस इज़ द सिचुएशन, लाइक सिग्नल्स आर फकिंग हेल मैन. चंडीगढ़ में आने का मन एक ही वजह से नहीं करता, कि तुम सिग्नल्स पे ही बस रगड़ते रहते हो. बॉयज मुझे ना मस्त नींद आ रही है, तो मेरा मन कर रहा है मैं बाइक पे ऊपर सो जाऊँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पंचकुला वाली साइड से आके ना गलती कर दी है. सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये आ चुका है फर्स्ट टोल प्लाजा, तो ये वाला अपन को क्रॉस करना है हिमालयन एक्सप्रेसवे. वैसे मैंने अभी तक कसोल का कोई ब्लॉग कोई कुछ भी नहीं देखा है, तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा एकदम रॉ रहने वाला है, एंड इट्स गोना बी फन गाइस. वो तो मैप पे देख के लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं. सो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक मैं अपने घर की रोड्स एंड ऑल दैट, लाइक वो जो जम्मू कश्मीर की रोड्स हैं ना, तो वैसी उनसे भी ख़तरनाक ट्विस्ट हैं, तो वो थोड़ा सा मिस कर रहा था मैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम. बूम, हेलमेट के ऊपर आके एक वो बच गई है, और उसके फटाक चीथड़े उड़ चुके हैं. फक, यहाँ पे भी सिग्नल होते हैं. लोकेशन हैज चेंज्ड एंड द वेदर हैज चेंज्ड बॉयज. बहुत ही मस्त वाइब आ रही है अभी, और क्या बस छोटी छोटी हवा लग रही है. सामने पहाड़ देख के ना मेरे को बहुत टाइम के बाद, लाइक 2 मंथ हो गया मेरे को ऐसे सिटी में रहते हुए एंड सिटी का शोर सुनते हुए, तो अभी ना क्या ही मज़ा आ रहा है लेवल का. एंड आई होप अल्लाह करे कि सब अच्छे से जाए पूरी राइड, एंड और भी ज़्यादा मज़ा आए. सो या बाकी बारिश वारिश का कोई सीन नहीं अभी, देख सकते हो आप लोग क्लाउड्स थोड़े थोड़े हैं लगे हुए, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, और मेरा एनर्जी का लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. एंड आई डोंट नो, मेरा GoPro सिर्फ धोखा ना दे, एक बैटरी ये वाली जो आधी बची है, तो एक वाली आई गेस फुल होगी, 90% के आसपास रहेगी, तो बाकी बहुत मस्त एकदम सीन बढ़िया है ब्रो. अभी तक ये वाली रोड ना ऐसी वाइब दे रही है जैसे कि अपनी जम्मू वाली है ना, जम्मू टू कश्मीर जो चनानी से पहले आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा प्लान्ड रोड है, तो ये वाली थोड़ी सी उसके मुकाबले में मेरे को कम भी लग रही है, बट इट इज़ ओके, लाइक इट इज़ फाइन. वेलकम टू हिमाचल प्रदेश बॉयज, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इट टू हिमाचल. एंड बाकी मैं बसोली तक गया हूँ, और बस उससे आगे कभी नहीं गया. चिल्ला रही है मैं अंदर. सो गाइस आ चुके हैं परफेक्ट कॉर्नर्स, थोड़ा सा स्टीप भी है, इतने ज़्यादा खींच नहीं रही है बाइक, 80-90 इज़ गुड. एंड मस्त कॉर्नर्स आ रहे हैं, मस्त एकदम मस्त सुपर डुपर कॉर्नर्स नहीं होते. सी द थिंग इज़ कि मैं इस बाइक पे ना अपना मैक्सिमम जो होता है ना
लीन एंगल वो अचीव नहीं कर सकता क्योंकि इसके फुट रेस्ट बहुत जल्दी स्क्रेप होने लग जाते हैं एंड फिर मेरे को पाँव भी उठा के सब पीछे करना पड़ता है, ये दिक्कत वाली बात है। तो जम्मू कश्मीर वालों ऐसा दिखता है हिमाचल। वैसे व्लॉग्स में तुम लोगों ने बहुत सारे व्लॉग देखते ही होंगे, तो हिमाचल की भी शुरुआत है ये, मतलब मुझे नहीं लगता फुल हिमाचल है। परफेक्ट कॉर्नरिंग मशीन होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब क्या कर सकते हैं इसका, नथिंग। सो गाइस अभी मैंने ना थर्ड टोल क्रॉस कर लिया है और उसके बाद हम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं, जंगली जंगल है, मस्त ठंडी हवा है और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा हो गया मेरा सफ़र तो आज का। भयंकर जनता आ रखी है यार वीकेंड के लिए एंड रोड में सो स्लाइड हो के ब्रो ऊपर बस क्यों खड़ी करी है, बहुत भयंकर लैंड स्लाइडिंग होती है यार यहाँ पर, गलती से कोई गाड़ी नीचे आ जाए फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह। मस्त टायर्स गरम हो रखे हैं तो क्या ब्रेक मारी मैंने ना, से बाइक जा रही है फिसलते फिसलते। यहाँ से ना ये चौक है ना, यहाँ से आप यूँ काट जाओ है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, आगे चौक आएगा, चौक आएगा आगे, उससे पहले कोई चौक नहीं है, उस चौक पे बाइक साइड में लगा के वहाँ एक जूस की बहुत बड़ी दुकान होगी, जूस की दुकान के साथ ही होगी, मैं वहाँ से पैसे निकालो और वहाँ से अपना राइट टर्न ले लो सीधा आप चली बंद। ओके थैंक यू। चलेंगे 500 काफ़ी है यार। यार अगर मैं कंपेयर करूँ ना कश्मीर की पहाड़ियाँ जो है अपनी वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है स्टीप और यहाँ वाली तो ऐसे खड़ी हैं, रोड तो इतनी सिंगल है कि बस सही एक गाड़ी आती है इसके ऊपर, लेकिन स्टिल बीच में इसने एक वाइट लाइन मार के रखी है कि ये हाईवे है, रूटियाँ बनाने का बेस्ट तरीका। सो गाइस अभी पहुंचते हैं कसौली, 8 किलोमीटर टू गो, तो ये वाला 8 किलोमीटर में अगर कुछ होगा दिखाने के लिए डेफिनेटली आई विल शो यू गाइस, इन्फॉर्मेटिव होगा तो भी बताऊंगा। तो अभी कसौली में चलते हैं, 2-3 मेन जगह है, एक चर्च है, एक कोई टेंपल है और एक मार्केट है वहाँ की, माल रोड आई डोंट नो क्या नाम है उसका, तो वहाँ पर चल के फिर देखते हैं क्या होता है। अभी आ चुके हैं हम ऐसी जगह पे और यहाँ पे आई थिंक कोई जगह बोलती है यार, मैं बहुत ढूंढता रहता हूँ जगह के नाम पता करने के लिए,
तो जो भी है बहुत छोटी सी रोड है, तो बहुत ही अच्छे मार्केट और ऊपर घर है। तो ये है पुराना पुराना वाला चर्च। Let's go to the next place. So boys, यहाँ से आगे ये वाली जो रास्ता जा रहा है तो ये जाते हैं मंकी पॉइंट और वहाँ पे कोई मंदिर भी है एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या क्या है। तो वहाँ पे जाने के लिए बाइक्स अलाउड नहीं है, जबकि खटारे से टैक्सी लेनी पड़ेगी जो मैं नहीं ले रहा। एक बारी आगे आप चर्च के पास वाली से फिर ये वाली रोड कंटिन्यू करके सीधी जिस पर मैं वापस जा रहा हूँ तो साथ वाली रोड पकड़नी है एंड यू विल रीच एट मंकी पॉइंट। और टीसी यहाँ की मार्केट है एंड मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे कुछ व्यूज़ हैं जो मैं गया था वो इतनी टॉप पे है, वो वाला व्यू, वो वाला है टोल प्लाजा लास्ट। एंड या लेट्स कंटिन्यू। इन्हें हमारी बाइक की बहुत ज़्यादा बुरी गंदी ट्रक की हुई हालत हो चुकी है तो इसको क्लीन कराएंगे हम जाके, आज शाम तक हो जाएगी क्लीन। वो इतना लंबा जाम, दुम 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 दुम। हमारे पास ऑफ रोडिंग व्हीकल है। ओ भाई साहब, लाइक व्हाट द फक, इतना गंदा क्रैश हो रखा है। ओ माय God. बहुत गंदा क्रैश हो रखा है। स्विफ्ट और उसके बीच में दूसरी गाड़ी कौन सी थी, बुलेरो का वो काटा पीटा वर्जन, तो उसके बीच में टेडी बियर। एक बंदे को ना टेडी बियर बहुत पसंद है, उसके लिए एक टेडी बियर खरीद लेते हैं। नहीं यार, यहाँ से लेके कैसे जाऊँगा उसको, बाइक में सिर्फ टेडी बियर ही रखने का, मैंने खुद नहीं बैठना। मज़ा आ गया, मज़ा। बस यहाँ से नीचे तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने करने के कॉर्नर्स इंजॉय। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ से आगे देख सकते हैं। तो कसौली वर्सेस पत्नी टॉप में अगर मैं रेट करूँगा ना तो आई विल चूज़ पत्नी टॉप ओवर दिस प्लेस, बिकॉज